जिक्र जहां पर बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कल की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे हटाने के निर्देश दिए थे। आपको ये भी बताएं कि 13 साल पहले इस कॉरिडोर का निर्माण 360 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया। 24 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को बनाते समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह दावा किया था कि भोपाल को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, लेकिन अब ये यातायात प्रबंधन में बाधा बन रहा है। इसके मेंटेनेंस पर भी हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। कॉरिडोर पर केवल निगम की यात्री बस, सरकारी वाहन और वीआईपी वाहन ही गुजरते थे, और अब मोहन यादव सरकार जैसे ही आए उनकी तरफ से डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से खासतौर पर कहा गया कि बीआरटीएस की वजह से ही भोपाल के लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, लिहाजा इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। अब इसकी जगह पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनेगा, इस पर सहमति बन चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि बीआरटीएस को हटाकर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनने के बाद ट्रैफिक जाम की परेशानी काफी हद तक कम हो सकेगी। और भोपाल से बीआरटीएस हटाए जाने पर सियासत दूसरी तरफ शुरू हो गई। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा की तरफ से ट्वीट कर जांच की मांग उठाई गई। उन्होंने लिखा कि बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय के लिए बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है। किन नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची, किसको फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज हुआ है। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। विवेक तनखा की तरफ से ट्वीट, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीआरटीएस हटाया और इसके लेकर जो निर्देश है, जो कार्रवाई चल रही है, उसकी तो तारीफ की ही, लेकिन इससे पहले करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, इस पर सवाल उठाए हैं। कह रहे हैं कि जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर किसे लाभ पहुंचाने के लिए जनता से लिया गया करोड़ों का फंड बर्बाद कर दिया गया। तो विवेक तनखा की तरफ से ट्वीट, और इसके साथ ही सियासत लगातार अब शुरू होती हुई बीआरटीएस को लेकर भी अच्छी पहल बताया है। डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी की है इस फैसले को लेकर, लेकिन जांच की मांग भी उनकी तरफ से उठाई जा रही है कि पहले अगर निर्माण हुआ, और चूंकि आप जानते हैं कि 360 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, और बीआरटीएस को लेकर ही पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सवाल खड़े किए सोशल मीडिया पर। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की, सरकार के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के फैसले को सही बताया, कहा कि इसको ऐसे क्यों बनाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच जिसकी मांग विवेक तनखा की तरफ से भी उठाई गई, उमा भारती भी इसी ओर इशारा करती हुई कह रही है कि असुविधा जनता को हुई है और पैसा भी जनता का ही लगा है, लेकिन जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके निर्देश पर इसको बनवाने को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि फैसले की प्रशंसा की है सरकार, सैकड़ों करोड़ों रुपए इसमें जाते हैं हर साल, चूंकि मेंटेनेंस में भी लाखों खर्च होता है और 360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उमा भारती की तरफ से ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, मांग जांच को लेकर भी। आप जानते हैं बीआरटीएस जो कि मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में इस दृष्टि से बनाया गया कि लोगों को ट्रैफिक के चलते परेशान ना होना पड़े। फिलहाल क्या स्थिति है हम समझ लेते हैं। सो ये शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीआरटीएस बना, करोड़ों खर्च हुए, दूसरी तरफ सियासत इस बात को लेकर कि जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके निर्देश पर खर्च किए गए थे। शैलेंद्र, बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 साल पहले बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था। लगभग इसकी लंबाई जो है वो 24 किलोमीटर की, 360 करोड़ रुपए इसके निर्माण पर खर्च हुए थे। उस समय जब निर्माण किया गया था तो उसके पीछे तर्क यही दिया गया था कि जो ट्रैफिक का बढ़ता दबाव है उसके चलते कई बार एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो या वीआईपी कारकेड हो, इनको निकलने में परेशानी होती है। इसके साथ ही जो मिनी बसें थी उनको हटाकर बड़ी रेड बसें नगर निगम में शुरू की गई थी, तो उन बसों के लिए पर्याप्त स्थान चलने का रहे, इसके चलते ये बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था। अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीआरटीएस कॉरिडोर में मौजूद हूँ। ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से खाली, और उसके पास के ही लाइन में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो वाहन है वो लगातार गुजर रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से वर्तमान समय में इसका कोई उपयोग नहीं है। देखिए, बड़ी संख्या में जो वाहन है वो साइड की लाइन से गुजरते हैं, लेकिन बीआरटीएस कॉरिडोर से केवल चुनिंदा वाहन ही गुजर रहे हैं। तो ऐसे में यही कारण है कि कल जब जनप्रतिनिधियों के साथ डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की बैठक आयोजित हुई तो उन्होंने साफ तौर पर सभी जनप्रतिनिधियों ने एक राय होकर ये कहा कि ये जो कॉरिडोर है ये अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम ही बसें निकलती हैं और जो मूल जो वाहन है, जो प्रमुख वाहन है, वो आसपास की सड़कों से गुजरते हैं।
तो ऐसे में ट्रैफिक का दबाव जो है वो आसपास की सड़कों पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन BRTS का उतना उपयोग नहीं हो रहा है। देखिए, न केवल BRTS के निर्माण पर एक मोटी रकम खर्ची गई थी, बल्कि इसके मेंटेनेंस पर भी हर महीने एक मोटी रकम खर्च की जाती है। तो यही कारण है कि अब BRTS कॉरिडोर को हटाने का निर्णय जो है वो डॉक्टर मोहन सरकार ने लिया है, और निगम को कमिश्नर, इसके अलावा जो भोपाल संभाग के कमिश्नर, उनको साफ तौर पर ये निर्देश किया है कि 3 दिन में इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करें। और यही कारण है कि एक तरफ जहां विपक्ष के सांसद सवाल खड़े कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, हालांकि निर्णय का स्वागत दोनों ही दलों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उमा भारती हो या विवेक तन्खा हो, दोनों इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर ये गाड़ी कमाई जनता की इसमें लगाई गई और उसका उपयोग क्या रहा और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, सबकी जाँच की मांग जो है वो जरूर दोनों ही लोग कर रहे हैं। देखिये, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार पहले भी अपनी सरकार पर निशाना साधती रही है, पहले शराब को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर हो, और अब ये BRTS निर्माण को लेकर भी वो सवाल खड़े करते नजर आ रही है। तो विपक्ष का तो काम सवाल खड़े करना ही है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अवंतिका, और जिस परिवर्तन की बात हो रही है, ये भी देखने वाली बात कि कहां तक पहुंचती है उसकी बयार। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में खासतौर पर एक बड़ा परिवर्तन जो कि मोहन सरकार के अंडर हो रहा है। आगे बढ़ते हुए MPPSC का जिक्र भी कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट जारी हो चुका है। 2019 का ये रिजल्ट, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। आप जानते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थी हैं, वो काफी परेशान हुए इस रिजल्ट के लिए, इतने सालों का इंतजार और अब जाकर ये इंतजार खत्म हुआ है। MPPSC 2019 जिसका रिजल्ट जारी किया गया, इसकी खबरें हालांकि पहले भी चल रही थी, माना जा रहा था कि विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द ऐलान होगा। ये ऐलान हो चुका है। आप जानते हैं कि टॉप 10 में अक्सर लड़कियों का दबदबा रहा है, इसी प्रकार से इस बार भी यही देखने को मिलता है। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मार ली। सतना की लाडली ने टॉप किया है, प्रिया पाठक जिनका नाम है, सेकंड रैंक हालांकि उनको मिली है। 571 पदों के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा, 472 पदों के नतीजों का ऐलान हुआ, और उसके साथ ही ये सूची आपके सामने। आगे बढ़ते हुए धार का जिक्र करेंगे, जहां एक तेंदुआ कैद हुआ है, पिंजड़े में कैद हुआ है तेंदुआ। वन विभाग ने पिंजरा लगा रखा था, पिपलडागढ़ी गांव जहां की एक घटना है, यहां तेंदुए के आतंक के चलते लोग लगातार परेशान हो रहे थे। वन विभाग को सूचित किया गया था और वन विभाग ने लगातार कोशिशें की, पिंजरा लगाया, और उसके बाद अब देखिए तेंदुआ पकड़ में आया है। पिपलडागढ़ी गांव बताया जा रहा है, जहां पर लगातार तेंदुए की आमद बनी हुई थी और यहां पर लोग लगातार परेशान हो रहे थे, डरे हुए थे। तो अब तेंदुए का खौफ खत्म हुआ है, तो मिलाकर वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। पिंजड़े में तेंदुए को कैद कर लिया गया, धार का हम जिक्र कर रहे हैं। और अगली खबर बलरामपुर से, जहां 60 बोरी अवैध धान जब्त हुआ है। अवैध रूप से इसका स्टॉक रखा गया था, धान की कालाबाजारी पर एक्शन हुआ है। पता है कि कार्रवाई के बाद से बिचौलियों में अड़कंप भी, जब जब धान खरीदी का सिलसिला शुरू होता है तब इस प्रकार की खबरें लगती हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले की सतर्कता, इसे आप कहेंगे कि कार्रवाई करने के लिए टीम लगातार पहुंच रही है। और उसके साथ ही तमाम बड़े खुलासे एक एक कर, बिचौलियों में हड़कंप की स्थिति, अवैध धान का स्टॉक देखा गया, कालाबाजारी की आशंका सबसे ज्यादा होती है इस दौरान। 60 बोरी धान जब्त हुआ, अवैध रूप से स्टॉक कर रखा गया था, बाद में बेचने के लिए पूरा स्टॉक तैयार था। और अंबिकापुर का जिक्र करेंगे, जहां 3 ठग गिरफ्तार हुए हैं। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, पीड़ित से 3 लाख रुपए की ठगी की थी। सरगुजा पुलिस ने राजस्थान में दबिश थी, 65,000 नकद और 4 मोबाइल बरामद कर लिए। सोशल मीडिया पर लिंक भेजकर पार्ट टाइम जॉब का झांसा देते थे, ठगी के अबुधाबी से तार जुड़ते हुए नजर आते, यानी कि बहुत लंबा गिरोह है, बहुत लंबा कनेक्शन भी है। धीरे धीरे कर कनेक्शन को ध्वस्त करने का प्रयास पुलिस की तरफ से। और जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल द्वारा बनाए गए लाखों रुपए के सार्वजनिक शौचालयों में हमेशा ताले लटके रहते हैं। इससे पास में ही एक गार्डन है, जहां पर खेलने आने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी होती है। पंचायतों में लाखों रुपए से बने सार्वजनिक शौचालय खंडर हुए हैं, कई असामाजिक तत्व यहां पर अपना अड्डा बनाए हुए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए जो सुविधा देनी थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है। ये सार्वजनिक शौचालय जो कि पूर्व सरकार में निर्माण का हुआ, लेकिन अभी तक खंडहर में तब्दील।
ग्राम पंचायत कुलीपोटा में खड़े हैं, जहां सार्वजनिक शौचालय बना है। इनको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो है 4.5 लाख की स्वीकृति देकर शिलान्यास भी किया था। उसके बाद से ये इसमें ताला लटका हुआ है, आप देख सकते हैं ताला लटका हुआ है। साथ में यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की पूरा धज्जी उड़ रही है और आसपास में साफ सफाई की भी अभाव है। बगल में गार्डन लगे हुए हैं, यहाँ बच्चे खेलने आते हैं जिसके लिए बहुत सारे असुविधा होते हैं। यहाँ ना तो पानी का टंकी तो लग गया है लेकिन पानी सप्लाई नहीं होने के कारण सार्वजनिक शौचालय के उपयोग नहीं है और खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हम कुछ बच्चे से बात करते हैं जो यहाँ गार्डन में खेलने आते हैं और किस तरह की इनको समस्या होती है। जी भाई बताएंगे, यहाँ गार्डन में जब खेलने आते हैं तो आपको शौच जाने के लिए किस तरह की समस्या होती है, कैसे करते हैं उस समय? हम लोग उधर जाते हैं खेत के पास। और क्या चाहते हैं आप, ये जल्दी से जल्द खुले और लोगों को खुले? हाँ, जल्द से जल्द ये खुले और इसमें पानी की समस्या है। जी बताएंगे बेटा, आप लोग जब यहाँ खेलने आते हैं तो यहाँ आप लोग को काफी दिक्कत होती है क्योंकि शौच नहीं है तो? यस, बहुत दिक्कत होती है खेलने में। यहाँ कुछ भी झूला भी बनता है ना तो लोग तोड़ देते हैं और सरपंच यहाँ का साफ सफाई नहीं करवाता है। और क्या कहेंगे आप, शौचालय यहाँ है लेकिन बंद पड़ रहता है तो आप लोगों को बहुत समस्या होती होगी? जी सर। क्या चाहते हैं आप, इसको खुलवाने के लिए चाहते हैं? जी सर। मांग रखते हैं? हाँ। तो यहाँ स्कूली बच्चे भी हैं जो गार्डन में खेलने आते हैं, इनको भी भारी समस्या होती है और बच्चियाँ यहाँ आते हैं उनके लिए काफी समस्या होती है। सार्वजनिक शौचालय बेकार पड़ी हुई है, इसको जल्द से जल्द खुलाने की लोग मांग कर रहे हैं। कैलाश के साथ न्यूज 18 जानकर जापा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।